गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी, ये आपको आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। कोई आप लोगों को मैंने काफ़ी मतलब वीडियो भी समझाया, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं 19 जनवरी को क्या क्या सवाल आए थे और राजपूत रेजिमेंट सेंटर ने क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो हमसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो उन्होंने अगर एग्ज़ाम अटेंड किए हैं, अगर उनको लगता है कि सर कोई भी सवाल छूटा है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं अपलोड करके, और आपका अपना फ़ोटोग्राफ भी भेजिए पासपोर्ट, जिससे कि जिस बंदा ने हेल्प किया है उस हिसाब से मैं उसमें अपलोड करके पूरा का पूरा 30 सवाल अपलोड कर दूंगा। एक छोटी सी गुजारिश है जिससे का हज़ारों लोगों को बेनिफिट होगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इनिशिएट ले लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगता, आप जस्ट छोटी सी कीवर्ड दे दीजिए, मैं बाकी सब मैं बना लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है। नंबूतिरी एक राइटर है जो मलयालम पोएट का, वो उनको मिला गया है रिसेंटली। रेड फोर्ट किसने बनाया और शाहजहां ने बनाए, मुगल एम्परर शासक थे, और ये रेड फोर्ट जो है दिल्ली में उपस्थित है। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया? लॉर्ड कर्जन की प्रेजेंस में 16 अगस्त 1905 में इसकी विभाजन किए गए थे। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी सवाल दिया गया है सब पिक्चराइजेशन दिया गया है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन, नेवी आर्मी एयरफोर्स सभी सेनाओं के लिए, एज वेल एज ऑल रेलवे NTPC का भी बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन दिया है। आपको अंग्रेज़ी में रहेगा और पिक्चर रहेगा, आप सुनना या ना सुनना आपकी मर्ज़ी है, आप एक बार जाएंगे तो फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो है, टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं? वो 206 हैं जो अपना शरीर में कुल मिला के, फेस में 14 होते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पोंगल जो है क्या किसके संबंधित है? वो एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, वहाँ पर जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। और पहला फील्ड मार्शल कौन है? वो जनरल KM करियप्पा है, जो पहला फील्ड मार्शल है, जो सबको याद रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो पत्ते के अंदर क्या रहता है, वो क्लोरोफिल रहता है, उसके अंदर भी मैग्नीशियम प्रेजेंस होता है, ये सब जानते हैं। काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन हमने अपनी प्लेलिस्ट में दिए थे, अपनी सब्सक्राइबर जो भी एग्ज़ाम दिए उन्होंने हमें समझाया, और पूरा का पूरा 30 के 30 सवाल और मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के भी मैंने अपलोड किया, आप एक बार जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुल मिला के क्रोमोजोम कितने हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? 23 है पेयर है, और 46 बोल सकते हैं आप, जिसका 47 है वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होगा। फिर जब लाइट एक प्रिज्म पे पड़ता है, ज़्यादा बेंड होने का डिस्पर्शन होता है, ज़्यादा बेंड जो है वायलेट होती है, जो ज़्यादा बेंड होता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी लेंथ बहुत दूर तक जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम पर बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं हमारी? दांत कितने हैं? 32 हैं। मैचस्टिक के जो टिप में क्या रहता है? वो रेड फॉस्फरस रहता है, हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से जलता है। टोटल नंबर ऑफ बोन 206 होते हैं। और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए उसको क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, किडनी को हिंदी में वृद्ध शायद कहते हैं। बुद्ध चरिता जो है किसने लिखा था? अश्वघोषा, एक किताब बुद्ध चरिता किताब को लिखा गया है अश्वघोषा। और इंडिया जो है किसकी मेंबर नहीं है? हम जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मेंबर इंडिया नहीं है, पर इसको एशियन गेव एडवाइजरी स्टेटस टू इंडिया दिया गया है, उसको एडवाइजरी स्टेटस दिया गया है। हमने समझाया लाइट को इस हिसाब से बेंड मैक्सिमम होता है, वो लाइट जो है मैक्सिमम, इसलिए हम ट्रैफिक वगैरह में लाल यूज़ करते हैं, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। और पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है। लाइट ईयर किसकी नाप है? नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है। और आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। और मुझसे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई सवाल अगर आपको नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो मैं चाहता हूं कि एक दो सवाल एक्स्ट्रा इसलिए आया कि वो अलग अलग जगह से पूछा गया है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल अगर ज़्यादा इसमें नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अगर मुझे जो सवाल आए थे उनको प्लीज़ मैसेज करने की कोशिश करिएगा, आप इसमें पॉजिटिव देखिएगा, अगला जो भी बंदे देखेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगला जो है इनर्ट गैस, इसके भी कौन सी इनर्ट गैस पूछा गया? आर्गन को इनर्ट गैस के नाम जानते हैं हम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, ये सब इनर्ट गैसेस है। बॉक्साइट किसकी ओर है? वो है एल्यूमिनियम की ओर है, वो हम सब जानते हैं।
और फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, वो हम जानते हैं द यूनिट ऑफ फोर्स जो है न्यूटन ही कहा जाता है, सिंबल है उसका। तो इस हिसाब से काफ़ी सवाल हमने काफ़ी अच्छे से समझाया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, थोड़ी सी शुक्र छोटी सी गुजारिश है, मैं नेवी से रिटायर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिले, और जो भी गरीब बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है कैसे मतलब क्रैक करनी है। तो इस हिसाब से इस दौरान हम लोग मैक्सिमम मदद करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, और प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा अगर आप एग्ज़ाम दिए तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।